पपला गुर्जर, ये बड़ी जानकारी। पपला महिला मित्र को अलग अलग गाड़ियों में लाया गया, बहरोड कोर्ट में पेशी के बाद लाया गया थाने। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ी खबर है, थाने में कड़ी सुरक्षा के बीच रहेगा पपला गुर्जर। बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी जिससे हम आपको रूबरू करा दें। देखिए बड़ी खबर है, निमराणा थाने लाया गया गैंगस्टर पपला गुर्जर। पपला महिला मित्र को अलग अलग गाड़ियों में लाया गया, पपला गुर्जर को थाने लाया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, निमराणा थाने लाया गया है गैंगस्टर पपला गुर्जर। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। निमराणा थाने लाया गया है गैंगस्टर पपला गुर्जर। तमाम जानकारी के साथ लोकेश भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। लोकेश, क्या कुछ जानकारी? कड़ी सुरक्षा के बीच निमराणा थाने लेके आए हैं पपला गुर्जर को पुलिस अधिकारी, क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया? बिल्कुल निकिता, मैं बताना चाहूंगा कि भैरोड एसीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच में पपला गुर्जर को निमराणा थाना लेके आए हैं और इनको यहाँ पे जो इनकी जो महिला मित्र थी उनको गाड़ी में लेके आए हैं और जो पपला गुर्जर है उनको अलग गाड़ी में लेके आए हैं, जिनको भैरोड कोर्ट में सुबह आज पेश किया था। और तो वहां से पेश करने के बाद अभी यहाँ पे लेके आए हैं भिवड़ी एसपी राममूर्ति जोशी, जो की थाने का निरीक्षण कर रहे हैं, कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था जो उनका जायजा ले रहे हैं यहाँ पे, जो अभी मौजूद है। जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अगर मैं 2017 की बात करूं तो पपला गुर्जर 2017 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागा था। अब लोकेश, ऐसे में हरियाणा पुलिस भी कस्टडी में जरूर लेगी पपला को, क्या ऐसी कोई जानकारी हरियाणा पुलिस की तरफ से निकल कर सामने आई? बिल्कुल निकिता, मैं अभी बताना चाहूंगा कि अभी जब यहाँ के जो एडिशनल एसपी जिन्होंने पपला गुर्जर को पकड़ा है उनसे अभी बातचीत सही तरह से अभी नहीं हो पाई है, वो वहाँ पे अभी कोर्ट में मौजूद है कि कोर्ट में इनका कितने दिन का रिमांड मिला है, कितने दिन की जो क्या बातचीत हुई है उसका, वो यहाँ पे जब उनसे जब बात होगी उसके बाद हम उनके पूरी डिटेल दे पाएंगे। जी फिलहाल अभी तक कोई अपडेट निकलकर सामने आ पाया है, क्योंकि पेशी के बाद लाया गया थाने, तो पेशी में क्या कुछ हुआ, क्योंकि बताया जा रहा था कि एक घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसको लेकर कोई बयान कोई सूचना? बिल्कुल, अभी निकिता यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आ रही है सामने, और इसमें मेन बात यह है कि जो एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा जिसकी टीम ने इनको पकड़ा था तो वह अभी भैरोड कोर्ट में मौजूद है, जबकि पपला गुर्जर और उसकी जो महिला मित्र है वो यहाँ पे निमराणा थाने कड़ी सुरक्षा के बीच में लेके आए उनको। लेकिन अभी जो सिद्धांत शर्मा है वो क्या आदेश थे कोर्ट के, क्या हुआ है उसकी वो पूरी रणनीति तैयार करके फिर यहाँ पे आएंगे। जी लोकेश, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुनने में आ रहा है वह शायद एक घंटा का समय लग सकता है, एक घंटे के बाद संभावना है कि यहाँ पे निमराणा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अभी तक कोई सूचना इसको लेकर? नहीं, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है, सिर्फ ये सुनने में आ रहा है कि आईजी जो जयपुर रेंज के आईजी है हवा सिंह घुमरिया जी, वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, तो एक और बड़ी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी लोकेश, कि यहाँ पर बात लगातार ये बात कही जा रही थी कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोर्ट परिसर, जिसके बाद अब इसको निमराणा थाने लेके आया गया है और करीबन एक हफ्ते के रिमांड पर भी लिया गया है, तो ये बड़ी सफलता पुलिस के लिए भी है, क्योंकि एक हफ्ते की रिमांड यहाँ पर पुलिस ने भी मांगी थी। बिल्कुल निकिता, यहाँ पे ये बहुत बड़ी सफलता पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है, और उसके बाद निमराणा के अंदर दबी यहाँ पे पूरी पुलिस, ये लगा लो कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिख रही है, यहाँ पे QRT स्पेशल टास्क फोर्स और बाकी जो फोर्स होती है पुलिस की वो सभी फोर्स यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे रात को भी जब यहाँ पे हम मौजूद थे तो रात को भी चार स्पेशल टास्क फोर्स की जो बसें थी वो खड़ी हुई थी, सभी बसों में जवान भर के आए थे, और जो अभी भी यहाँ पे हथियारों के साथ जो पुलिस के जो हथियार होते हैं उनके साथ वो यहाँ मौजूद है, और कड़ी सुरक्षा यहाँ पे की हुई है, यहाँ की पुलिस की जो छत है छत के ऊपर भी पुलिसकर्मी वो जवान दिख रहे हैं। लोकेश,
पपला की जो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी करने वाले जो जिनका आपने नाम लिया जयपुर रेंज के आईजी हैं हवा सिंह घुमरिया, उनका बयान दरअसल मैं एक देख रही हूं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि पपला को पहलवानी का शौक है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि वो जहां रह रहा था वहां पर जिम था, वहां पर उसके उसके तमाम जो सुख सुविधाएं थी उसको दी जा रही थी। तो ये पूरा गैंग है जिसकी अब तलाशी ली जा रही है या फिर जांच की जा रही है आगे की? बिल्कुल, जब अभी पीसी रिमांड पे जब पपला को लिया गया है तो उसके अंदर यह सारी बात आ जाएगी। यह सुनने में आ रहा है कि जो उसकी जो महिला मित्र है वहाँ पे जिम संचालिक का बताई जा रही है, और अभी वहाँ पे जिम में यह पपला गुजर रह रहा था, और यहाँ पे जो पीसी रिमांड के अंदर यह सारा खुलासा होगा। हो सकता है कि वहाँ पे अभी इसकी कोई गैंग हो। अभी तक हवा सिंह घुमरिया क्या पहुंच चुके हैं निमराणा थाने? नहीं, अभी तक बिल्कुल निकिता हवा सिंह घुमरिया नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ संभावना ये जताई जा रही है कि हवा सिंह घुमरिया कुछ देर में निमराणा थाने आएंगे, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।